लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए युवा, इसे यहां रखो। दीवान जी, हमारा वर्ली की जमीन का सौदा हो गया और पार्टी ने हमें 40 लाख रुपए दिया। बहुत ही अच्छा हुआ युवर हाइनस, इसी डील के लिए तो आप इतने दिनों से बंबई में ठहरे हुए थे। अब आप एक काम कीजिए, इस रुपए को यहां तिजोरी में रख दीजिए, कल सुबह बैंक भिजवा दे। कोई बात नहीं योर हाइनेस, आपकी तिजोरी भी तो किसी बैंक के वार्ड से कम नहीं। ये देखिए, ये देखिए, आपके पिताजी दी लेट इज हाइनेस ने इसे हर तरह से महफूज कर रखा। इसे बंद करके जब इस जाली में बिजली का करंट छोड़ा जाता है तो फिर इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। दीवान जी, अगर किसी वजह से बिजली का करंट ऑफ हो जाए तो? करंट बंद होते ही इसका अलार्म फौरन ही पास वाले पुलिस स्टेशन में हो जाएगा और पुलिस 5 मिनट के अंदर अंदर यहां पहुंच जाएगी। योर हाइनेस, करंट ऑन कर दो। जो आप मुनासिब समझिए कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि रुपया रात भर हिफाजत से रहे। जी कर दिया और रात को पहरा भी ज्यादा कर दूंगा। ये लीजिए चाबी। दीवान जी, क्या वाकई इसमें करंट है? जी हाँ, बाहर से कुछ पता नहीं चलता लेकिन इसको हाथ लगाना जान देने के बराबर है। ये लीजिए। क्या लीजिए? ये लीजिए, इसको जाली पर फेंकिए और देखिए। ये तो बहुत अच्छा इंतजाम है। और हाँ दीवान जी, रात में महाराजा सचिनगढ़ के पास हूं, सुबह वापस आ जाऊंगा। यस योर हाइनेस। यस, कौन ठीक है? बोल रहा हूँ। रुपया पैलेस में आ गया है, लेकिन याद रखो सिर्फ आज की ही रात यहाँ रहेगा। तुम तैयार हो ना? मैं तैयार हूँ। और बाकी लोग? तुम उनकी फिक्र ना करो, तुमने अपना काम कर दिया, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। भी नहीं आया, वो तो हमेशा ही लेट आता है। आज कैसे वक्त पे आ जाएगा? एज यूजुअल। माफ कर लीजिए, मुझे आने में जरा देर हो गई। दरअसल बात ये थी कि मैं कन्हैया,
कोई नया बहाना ढूंढा करो। हेलो हेलो ठीक है, आज की ये मीटिंग है किस लिए? प्रोफेसर, महीनों की मेहनत के बाद आज वो दिन आया है जिसका हम सबको इंतजार था। रुपया पैलेस में पहुंच गया है और आज ही रात हमें वहां से उड़ाना है। बोलो, सब लोग तैयार हो? ऑल राइट ऑल राइट, बी काम नाउ। संपत, यस दीके, जानते हो तुम्हें क्या करना है? पहले दीवार पर से चढ़कर छत पर जाना है, फिर रस्सी के जरिए रोशनदान में से होकर हॉल में आना है, और फिर हॉल से गुजरकर पैलेस का दरवाजा खोलना है, और ये सब सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट के ऊपर 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। कर सकोगे? 100%। जॉन, हम अपना काम जानता है मैं। बाबू, आई एम रेडी सर। मोहन, एब्सोल्युटली फिट। और कन्हैया, अपनी वैन तैयार खड़ी है, सिर्फ रात का इंतजार है। वेल प्रोफेसर, मेरा मैजिक बॉक्स तैयार है। गुड, एक बार सब फिर गौर से प्लान समझ और इस बात का ख्याल रखें कि हमारी आज रात की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ एक चीज पर है, और वो है वक्त। हमारे लिए हर सेकंड कीमती होगा, समझे कन्हैया? अगर जरा सी भी चूक की तो कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाए, इसलिए हर आदमी को एक बात का ख्याल रखना चाहिए, और वो है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी।
दरवाजा खोलो संपत। कौन है? कौन है बात? बहादुर सिंह, राम सिंह, बात कौन है? बोल सके नहीं। से दूर रहो, इसमें कोई हाथ न लगा, इसमें करंट है। मालूम है, तुम अपना काम जल्दी शुरू करो। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अचानक बंद हो गया, क्या कनेक्शन हो गया? थोड़ा सा जल्दी देखो। बाकी जल्दी चल रहा। कन्हैया जल्दी करो, वक्त बिल्कुल नहीं। बस हो गया प्रोफेसर, संभालो इसे। प्रोफेसर जल्दी सेफ काटो, लेकिन ख्याल रखो जाली में अब करंट है। संपत तुम बाहर का ख्याल रखो। वॉचमैन क्या हुआ था? साहब थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई थी लेकिन वापस आ गई है। चलो गाड़ी वापस लो।
भैया तुम मेरी फिक्र न करो, ये लो रुपया लेकर उस तरफ निकल जाओ जल्दी। मैं तुम्हें हालत में छोड़कर नहीं जाता हूँ, जल्दी करो। मैं पुलिस को धोखा देकर उस तरफ ले जाता हूँ, कल सुबह 10 बजे मेरे घर जाओ, जाओ जल्दी। तुम्हारा जख्म कैसा है? ठीक है, तुम्हारे इलाज का शुक्रिया प्रोफेसर। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मुझसे जो हो सका वो मैंने किया। बीके अब भी तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो। नहीं नहीं प्रोफेसर, ये देखो पुलिस जानती है कि हम में से एक आदमी को गोली लगी और इस वक्त बॉम्बे की सारी पुलिस उस आदमी को तलाश कर रही है। मैं डॉक्टर के पास जाने की बेवकूफी नहीं कर सकता। वेल बीके, थैंक यू प्रोफेसर। लगता है अब हम बाजी जीत गए। प्रोफेसर, पीके ने आज तक हारने वाली बाजी में हाथ ही नहीं डाला। मैं कन्हैया कभी लो मैम, तुम कन्हैया किधर है? मुझे क्या मालूम। तो फिर किसे मालूम है? अरे यार कमाल के आदमी हो, मैं तो तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, मुझे क्या मालूम कन्हैया कहाँ है। लेकिन बात क्या है? अरे यार वो अभी तक आया नहीं है। मैं कहता हूँ वो कहीं पकड़ा तो नहीं गया? अगर वो पकड़ा जाता तो हम सब अब तक गिरफ्तार हो गए होते। लेकिन वो है कहाँ जो अब तक आया नहीं? मैन हो सकता है वो बीमार पड़ गया हो। क्यों प्रोफेसर? क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। तो हमें चलकर देखना चाहिए। चलो चलो चलो। ठहरो, कोई नहीं जाएगा। उसके पास हमारा रुपया है, वो आ जाएगा। वो तुम्हें कैसे मालूम? मुझे उस पर भरोसा है। What? कैसे तुम सब पर भरोसा है? लेकिन बीके हमें कुछ करना चाहिए। प्रोफेसर, इनकी रोशनी में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, हमें शाम तक उसका यही इंतजार करना होगा। और शाम तक वो अगर रुपया लेकर भाग गया तो? मेरा नाम बीके है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पाताल की बातें करते हैं, शाम तक मैं उसे रुपए खर्च करा दे तो? You are right. 40 लाख, वो भी एक दिन में। क्या भी फूल? फूल? कौन फूल? यू फूल, तेरा बाप फूल। चलो बाप से करता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बंद करो ये तमाशा। जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो। बाबू चलो उधर बैठ। मोहन उधर जाओ।
गद्दार, आओ मेरे साथ। लगता है कन्हैया चला गया यहाँ से। साला हरामी हमारे 40 लाख रुपए लेकर के भाग गया। ठीक है अंदर है। वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। गद्दार, हमारे 40 लाख रुपए लेकर भागना इतना आसान नहीं। नीचे उतरो। अपना मनहूस चेहरा इस तरफ घुमा हरामखोर और बता के हम सबके खून पसीने की कमाई वो 40 लाख रुपया कहां है। तुम राजा? राजा जी हाँ, किसी रियासत का नहीं बल्कि दिलों का। वैसे तो हर तिजोरी अपनी जागीर है और हर जेब अपनी मिल्कियत, लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, खाली मकान देखकर लालच आ गया। अच्छा, तो तुम चोर हो? जी हाँ, मामूली सा, जो आप जैसे महारथियों के सामने कुछ भी नहीं। क्या मतलब? मैं तो समझा था कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि किस्मत मेरे पीछे भागी। क्या पत्ते हो? अब बनने की कोई जरूरत नहीं। आज के अखबारों की हेडलाइन 40 लाख रुपए का डाका और डाकू लापता, और मेरी खुशकिस्मती देखिए, वही डाकू मेरे सामने खड़े। वैसे घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की असलियत किसी को नहीं बताऊंगा। हम तो एक ही बिरादरी के हैं और आप जानते हैं कि मुंह बंद रखने की कीमत होती है, ज्यादा नहीं सिर्फ कन्हैया का है। अबे ओए, मुझे हिस्से की पड़ी है, अपनी जान ही बचा ले तो गनीमत है। ठहरिए ठहरिए, जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। इसमें हर्जी क्या है? मैं कन्हैया को ढूंढ निकालने में आपकी मदद करूंगा। ओह माय गॉड, प्लीज। यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। आओ मेरे साथ जल्दी। ये राजा का बच्चा बीच में कहां से आ टपका? पहले ही मुसीबत क्या कम थी कि एक मुसीबत और खड़ी हो गई। मैं जब मुसीबत खड़ा हो ही गया तो उसको तो बिठाना मांगता। हमारी बात मानो तो राजा को ढूंढो और उसके फैसला कर लो। अरे क्या बकता है यार, पहले कन्हैया को तो ढूंढ ही रहे थे, अब राजा को भी ढूंढो। ये तो तुम क्या करेगा मैन, बोलो क्या करेगा तुम? अरे मैं अकेला क्या करूंगा? बीके से पूछो, प्रवक्ता से पूछो। सोचने दो मुझे। बीके, 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 एक बात का पता चला है। किस बात का? एक लड़की अक्सर कन्हैया के घर आती है, कल भी वो वहां आई थी। कौन है वो? कैबरे डांसर है होटल में, मेरा ख्याल है उससे पता चल सकता है। मालूम है कौन से होटल में काम करती है? हाँ। Thank you.
हर रोज तुम एक नए आदमी को सांप से डसवा कर मार डालती हो। हमारा भी एक आदमी कल से गायब है, कन्हैया। कहां है वो? कौन कन्हैया? मैं किसी कन्हैया को नहीं जानती। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, तुम उसके पास हर रोज जाती हो, कल भी तुम वहां थी। कहां है वो? मैं नहीं जानती। चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती। बेवकूफ लड़की, क्यों मुसीबत मोल लेती है? बताओ कहां है वो? मैं किसी को नहीं जानती।
लाइट ऑन करो, लाइट ऑन। आगे मत बढ़ो, लड़की मेरे कब्जे में। कौन हो तुम? वही आपका पुराना खादिम राजा। राजा तुम यहां भी? खबरदार, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। चाहते क्या हो? रुपए में से हिस्सा। हिस्सा किस बात का? अपनी जबान बंद रखने का। जबान तो तुम्हारी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त तुम कन्हैया को ढूंढ रहे, और कन्हैया का पता सिर्फ ये लड़की जानती है, और ये मेरे कब्जे में है। बीके आ, बीके मैं तुम सब लोगों के नाम और पते जान चुका। तुम हो बाबू, प्रोफेसर जॉन, मोहन और तुम संपत। मैन ये तो बहुत तेज निकला। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे सबके नाम और पते मैंने एक जगह हिफाजत से रख दी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पुलिस तक पहुंच जाएंगे। जल्दी फैसला करो बीके, अगर मेरी शर्त मंजूर है तो लड़की तुम्हें मिल सकती है, अगर नहीं मंजूर हो तो फिर ठीक है, तुम भी कन्हैया को ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूं, जिसे मिल जाए रुपया उसी का। ठहरो, हमें मंजूर है। ये रही लड़की। मुझे मत मारो, अब मुझे मत मारो। मैं सब बता देती हूँ, मैं सब कुछ बता देती हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, कन्हैया कहाँ है? जवाब दो। इस वक्त मालूम नहीं कहाँ है। पैर मिला था, पहना था, आज उसे कई लाख रुपए मिलने वाले हैं। कितने लाख? कोई 6 लाख। वो मुझे लेकर पूरे मुल्क के शहर पे जाने वाला था, पहले मद्रास। मद्रास किस तरह जाने वाले थे तुम लोग? ट्रेन से। आज सुबह की उसने 2 टिकटें ली थी। टिकटें किसके नाम से ली थी? अपने नाम से? नहीं, वो बस मिस्टरन में से नाम कुमार। प्रोफेसर एयरपोर्ट क्विक। क्या कन्हैया कभी वापस नहीं आएगा? पागल हो गई लड़की, वो कमीना हमारा रुपया लेकर भाग गया है। 6 लाख नहीं, 40 लाख। संपत्ति 40 लाख तो कल रात ही चोरी हुआ। रामकुमार पहली फ्लाइट से मद्रास जा चुका है, और मिसेज रामकुमार उनका टिकट कैंसिल कर दिया गया। हमें पहली फ्लाइट पकड़कर मद्रास जाना चाहिए। यस मैन, हरी अप, हरी अप, क्विक क्विक चलो चलो। और ये लड़की हमारे बारे में सब कुछ जान गई है। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम है। और अब हमारी शक्लें भी पहचान गई। नहीं, मैं किसी को नहीं पहचानती, मैं किसी को नहीं पहचानती, मैं सब भूल जाऊंगी, मैं सब भूल जाऊंगी। अब इसका एक ही इलाज है देखिए, और वो है मौत। ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। Thank you.
आपने इस आदमी को देखा है? शायद कहीं देखा है। ओह, सिर्फ देखा है? जी नहीं, जानती भी हूँ। नजीर? जी। इन्हें इस आदमी की तलाश है, अख्तर मियां के पास ले जाइए। आइए। शुक्रिया। आप यहां ठहरिए। तो तुम कन्हैया को ढूंढ रहे हो? जी हाँ। आप जानते हैं कि वो कहां है? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पांच साथी किधर? साथी? कौन से साथी? मेरा कोई साथी नहीं। सकते हो, कन्हैया हमें सब कुछ बता गया। तुम्हारी तलाश तुम्हें यहां तक तो ले आई, मगर आगे नहीं जा सकोगे। बताओ तुम्हारे साथी कहां है? मैं आपसे कह चुका हूं मेरा कोई साथी नहीं। अब नहीं तो थोड़ी देर बाद बताओगे। कन्हैया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बता वरना। मुसलमान। वो हिमाचल के एक गांव रामपुर में। रामपुर? वो हमें कुछ रुपया दे दिया था आप लोगों को खत्म करने के लिए, बाकी रुपया वो वहां देने वाला था। सच बोल रहा है तू? हाँ सच बोल रहा हूँ। याद रख, अगर कन्हैया मुझे वहां नहीं मिला तो मैं वापस आके तुझे खत्म करूंगा। नहीं नहीं, वही मिलेगा रामपुर गांव में। पाताल में जा रहे थे? जी नहीं, रामपुर। वो तो उस तरफ है जहां आप खड़े हैं। अजी मेरा मतलब है मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूं? आप वहां नहीं पहुंच सकते। क्यों? एक तो सारा रास्ता आगे बर्फ से ढका हुआ है, दूसरा जल्दी ही जोरों का तूफान आने। आइए साहब, आइए। जी साहब। मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर के लिए रुक सकता हूँ? थोड़ी देर क्यों साहब, ये तो जितना दिन चाहे रह सकते हैं। ये तो होटल है। होटल? जी, होटल मानसरोवर। कौन है रामू? कोई साहब है। तुम यहाँ? तुम तो रामपुर जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए? जी हाँ, मैं जा तो वहीं रहा था लेकिन इस तूफान की वजह से रास्ता भूल गया, बर्फ से बचने के लिए यहाँ चला आया। मालूम होता है इधर उधर ही चक्कर काटते रहे हो, क्योंकि तुम मुझे जहाँ मिले थे वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। अच्छा, तो मैं यहीं का यहीं भटकता रहा? और क्या, मैंने कहा था ना कि तुम इस बर्फ में रास्ता नहीं मिलेगा। जी हाँ, कहा तो था।
चाय पियोगे? चाय तो मैं अवश्य पीऊंगा। शक्कर? शक्कर का शुक्रिया, मैं शुक्र के दिन शक्कर नहीं पीता। क्या तुम भी इसी होटल में ठहरी हुई हो? ठहरी हुई नहीं, ये होटल हमारा ही है। तुम्हारा? मैं बाहर जाऊं पापा के पास? नहीं जीजू, बाहर बर्फ पड़ रही है, सर्दी लग जाएगी। पापा को सर्दी नहीं लग रही, शंकर भी तो बाहर है। मालूम है मुझे, वो लोग टैक्सी ठीक कर रहे, तू क्या करेगा वहाँ जाकर? टैक्सी? और यहाँ? हाँ, यहाँ पर दो मुसाफिर ठहरे हुए, उनकी टैक्सी खराब हो गई। जाऊँ? ये लोग बाहर से आई अब तक? अभी आते ही होंगे। ये है मिसेस माथुर। गाड़ी ठीक होगी? हो जाएगी ठीक। अब बस पी करो, सुबह से पी रहे हो। चुप रहो तुम, अब इसके सिवा रह क्या गया जिंदगी में। रामू बता रहा था कि आप भी तूफान की वजह से राह भूल के यहाँ पे आ गए। जी हाँ, गनीमत थी कि होटल नजर आ गया, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता फिरता। किस्मत वाले हैं साहब आप, कि आपको रास्ता मिल गया। वरना वो किसी ने कहा है ना कि एक गलत कदम पड़ा था राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। बहुत खूब। लेकिन हुजूर, ऐसे मौसम में आप इधर कहाँ घूम रहे थे? शायद मैं भी मंजिल ढूंढ रहा। ओ, मिली मंजिल? जी नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन देखें। ले बेटे ले, आज तो कदम की सर्दी बेटे। रामू जी साहब, बाहर छत में मत सोना, अंदर ही सो जाना, बाहर बहुत सर्दी है। अच्छा क्या? माधुर साहब, आपकी गाड़ी तो ठीक हो गई, लेकिन रास्ता बर्फ से भरा पड़ा है। ऐसा लगता है थोड़े दिन आपका साथ और रहेगा सर। ओ, तो आप ये नए मेहमान, अच्छा हुआ आपको जगह मिल गई। जी हाँ, आप नहीं जानते कितना अच्छा हुआ, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो ले आई आपके पास। ऐसा लगता है कि आपको कहीं देखा है। जी मुझे? लेकिन कहां कुछ अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। खैर छोड़िए, सर्दी बहुत है, एक पग विस्ती हो जाए। जी नहीं, मैं चाय पी चुका। आपका शुभ नाम? राजा। राजा साहब, आप इस तरफ कैसे आ निकले? बकौल माथुर साहब, मंजिल की तलाश कर रहा था। जो अभी तक नहीं मिली इन्हें। जी हाँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मंजिल दूर नहीं, जरूर मिल जाएगी। बस सब लग चुके। थैंक यू। बर्फ बंद हो चुकी है, मेरा ख्याल मैं चलता हूँ। अजीत साहब, ऐसी भी क्या जल्दी है, माधुर साहब जाने वाले हैं, अपन के साथ चले जाइएगा। बेशक। नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। ऐसी आपकी मर्जी। ये होटल कब से आप लोगों के पास? बस एक ही साल हुआ पापा को खरीदे हुए। ओह, एक साल। अच्छा, चाय के कितने पैसे? रहने दीजिए, फिर कभी। फिर कभी मैं रास्ता नहीं भूलने वाला। अरे, इस बर्फ में रास्ता भूलते क्या देर लगती है। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ा। मैं चलो? नहीं, तुम यहीं बैठो। बाय बाय। वहाँ उस पहाड़ी के पीछे तुम्हें सुबह वाला रास्ता मिल जाएगा। अब जल्दी जाओ, कहीं फिर से ना बर्फ पड़ने लग जाए। शुक्रिया। वो क्या है? ऐसे शेड है जहाँ घोड़े और दूसरा सामान हम रखते हैं। वहाँ पे रहता है? कौन रहेगा इस सर्दी में अकड़ने के लिए, नौकर तक होटल में सोते हैं आजकल। और वो सामने मकान किसके हैं? हमारे कॉटेज है, लेकिन आजकल बंद है, सिर्फ गर्मियों के मौसम में मुसाफिरों के लिए खोले जाते हैं। तो आप लोग यहाँ बाकी दुनिया से अलग रहते हैं? हाँ, वैसे तो मेरे तक यहाँ कोई आबादी नहीं, फिर इस मौसम में तो यहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि पापा बुला रहे हैं।
रेशमा नाम अच्छा है। और आपका? राजा। राजा, ये भी कोई बुरा नहीं। डॉक्टर साहब, ये रुख को बचाइए। हुजूर, रुख तो बच गया, लेकिन आप शह को बचाइए। माडाला इसमें सोचा भी नहीं था। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, वो मिसेस माथुर से पूछ लो कि डिनर में क्या खाएंगे। तैयार कर दो बेटे। शाबाश शाबाश। जा। अरे ये बर्फ तो फिर से पड़ने लगी। इस मौसम में बर्फ नहीं पड़ेगी तो क्या जूते पड़ेंगे माधो साहब? वो तो ठीक है, लेकिन वो लड़का जो अभी भी आया था, कहीं फिर ना फंस जाए। क्या नाम है उसका? अभी मारिए गोली उस लड़के को, यहाँ बाजी हाथ से निकली जा रही है, आपको उसकी फिक्र पड़ी है। हम लोग का डांस सुखाता है। एवरीबॉडी yes. क्या तुम्हारा मतलब है कन्हैया मिल गया? हाँ बेटे, कन्हैया मिल गया। राजा, तुम्हें यकीन है कि वो कन्हैया ही है? साल भर की तलाश में उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने दिन रात घूमती रही है। देखिए, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? वो कन्हैया मंदिर। बहुत हो चुका, अभी कन्हैया रुपया हमारे हाथ नहीं लगा जो इतने खुश हो रहे। कहाँ है वो? यहाँ से 3 मील दूर एक होटल, आबादी से दूर, बिल्कुल अलग, और उस होटल का मालिक कन्हैया। फिकर मत कर, थोड़ी देर में कन्हैया को भी लाकर तेरे साथ भागूंगा। जरा संपत कौन है और तुम क्या कर रहे हो? तो मालिक का शक ठीक था, तभी उसने हमको यहां रखा था। लाइट जलाओ, उसकी बंदूक मेरे पास है। दिखे, दिखे मेरे पास, मेरे इंसान का दोस्त का। इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, चलो सब लोग चलो। तुम लोग जाओ, मैं संपत के साथ चलूंगा। नहीं,
मुझे वहां हर आदमी की जरूरत है, मगर संपत तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें बहुत ही जल्दी आकर ले जाएंगे। अच्छा बेके, जाओ तुम लोग, मगर ये रोशनी और ये बोतल मेरे पास छोड़ जाओ। ठीक है, चलो सब लोग आ जाओ। ओके संपत, थैंक यू, थैंक यू। कुत्ते, इन सात आदमियों में गोली मारने के लिए मोहन मिला था। मोहन बाबू, कन्हैया को आराम से सोफे पर बिठा दो। पापा ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग? मुझे कुछ नहीं मालूम, मगर ये लोग चुप रहो लड़की, जबान बंद रख। चलो बाबू। हम इसको बोला तुम गड़बड़ करेगा तो तकलीफ में आएगा, मैन हमारा बात नहीं माना, आया ना तकलीफ में, आया ना तकलीफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुत्ते की तरह क्यों पीटा जा रहा है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे? कहा ना चुपचाप बैठी रहो, आखिर क्या तमाशा है? मैनेजर कौन है बदतमीज लोग? हाँ पापा, ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? अगर अपनी और अपनी बीवी की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप बैठ जाओ। हम लोग कौन हैं, क्या हैं, सब मालूम हो जाएगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जॉन, बाबू, संपत को अंदर ले आओ, प्रोफेसर दरवाजा बंद कर लो। राजा, मोहन, इस होटल का कोना कोना छान मारो, सब हथियार अपने कब्जे में कर लो, जाओ। कन्हैया अपनी जगह बैठ जाओ, बैठ जाओ। पापा ये लोग क्या? लड़की, संपत
दर्द है पीछे। आपके पास ले जाते हो जल्दी। चलो मैन खाली करो पापा। क्विक संपत ये लो पिए। ओ बीके कम ऑन थैंक यू। खाली इन सबको लॉक करके चाबी अपने पास रख लो राजू। देखा क्या हालत कर दी है तुमने संपत्ति। मैंने एक तो लुटेरों की तरह घर में घुसा है, हम सबको जबरदस्ती यहां ला पटका, बात का कहीं करने देते, ऊपर से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो। आखिर तुम लोग हो प्राण क्या? हम लोग कौन हैं? तुम हमें नहीं पहचानते? नहीं, इनमें से किसी को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। बाबू हाँ देखिए, ये कहता है कि ये तुम्हें नहीं जानता। क्यों कन्हैया, इतनी जल्दी भूल गए हमें? कौन तुम? एक तोहफा मेरी तरफ से। तुम ऐसा मार रहे हो, तुम तो हमारे साथ नहीं थे। नहीं। क्यों, हाथों की गर्मी ने दिमाग की खिड़कियां खोल दी, भूली हुई यादें वापस आने लगी। बोल, हमारा रुपया कहाँ है? बताओ कितना क्यों रखा है? छोड़ देते। कन्हैया बता दो रुपया कहां रखा है? रुपया मुझसे खर्च हो गया। झूठे मोहन, पागल ना बनो कन्हैया, हमें मालूम है तुमसे कितना रुपया खर्च हो गया है, बाकी कहां रखा है? बाकी बॉम्बे सेफ डिपॉजिट में है। रुपया वहां और तुम यहां। कन्हैया मैं तुम्हारी फितरत को अच्छी तरह समझता हूं, जहां रुपया वहीं तुम। कहां रखा है रुपया? नहीं बताता तुझे। तुम अभी बताओगे क्यों हमें खामखाई तकलीफ देते हो? तुम्हारी मर्जी। यार ये कौन से रुपये की बात कर रहे हैं? यू शट अप मैन। ये लोहे की सिलाश इस वक्त ठंडी, लेकिन ये दहकते हुए अंगारों की तरह गर्म भी हो सकती है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम चाहे मेरे टुकड़े कर डालो। तुम्हारे टुकड़े? तुम तो हमारे दोस्त हो कन्हैया, हम तुम्हें क्यों कुछ कहने लगे? लेकिन हाँ। नहीं नहीं विके, नहीं, तुम इस मासूम पर जुल्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम मुझे नहीं जानते कन्हैया, मुझे कोई नहीं जानता, अपने आप को सिर्फ मैं ही जानता। पापा ये सब क्या हो रहा है? बीके ये तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो प्रोफेसर, इस वक्त मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, जाओ। मिस्टर तुम ये काम नहीं कर सकते, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो। बाबू नहीं, मैं हाजिर हूं। नहीं, बताओ कहां है रुपया? बता दो पापा, बता दो। बोलो कन्हैया।
रुक जा, मैं बताता हूँ। बहुत जल्दी होश आ गई कन्हैया। कहाँ रखा है रुपया? पहले वादा करो कि इसके बाद तुम मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं दोगे। मैं वादा करता हूं, अगर तुम ठीक रहे तो। बोलो। यहां से थोड़ी दूर एक गुफा है, मैंने रुपया वहां जमीन में दबा रखा। तो चलो जल्दी चलो। नहीं, रात के अंधेरे में ये कहीं भी भाग सकता है, हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। कितना रुपया बाकी है कन्हैया? तकरीबन 35 लाख। गद्दार सही तो मक्कार सही, तू गद्दार सही तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, नहीं हमसे तुझको पैसे से प्यार सही, लगा ले बोतल होंठों से घूंट दो यार सही, मजा आ जाएगा यारा, नशा छा जाएगा यारा, तू गद्दार सही तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही। खजाना ढोलेगा खजाना खोलेगा, अली बाबा खुल जा सिम सिम सवेरे बोलेगा, धर्म का सेम लूट का माल बराबर तोलेगा, धर्म कांटे में लूट का माल बराबर तोलेगा, ये दीवाना अपनी महबूब का घूंघट खोलेगा, मजा आ जाएगा यारा, है, है, है। नशा जा जाएगा यारा, तो गद्दार सही तो मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही। जमीनों का न शौक नगीनों का, नजर की चाह मुझे अरमान नहीं इन तीनों का, मैं प्यासा हूँ कई सालों का कई महीनों का, मैं प्यासा हूँ कई सालों का कई महीनों का, लगा दूंगा मैं मेला घर में शोक हसीनों का, मजा आ जाएगा यारा, रशा जा जाएगा यारा, तू गद्दार सही तू मक्कार सही, हमारा यार पुराना है तुझे इनकार सही, हे आह 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 हे आ
कपटना जालों से, कहो मत वालों से, कपटना जालों से। अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से, अभी तो कितनी दूर है दिल्ली हम दिल वालों से। इधर आओ न दिल बहलाओ सिर्फ ख्यालों से, इधर आओ न दिल बहलाओ सिर्फ ख्यालों से। न खो जाना लिपट के प्यालों से। मजा आ जाएगा यारा, छा जाएगा यारा, छा जाएगा यारा, छा जाएगा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अबे हाथ मत लगाओ, ये सब चोर लुटेरे डाकू हैं। मेरे पांव को बचा लो, हिम्मत से काम लो संपत। नहीं प्रोफेसर, हाथ मत लगा, हाथ मत लगाना प्रोफेसर। संपत को किसी कमरे में ले चले, चलो उठाओ, चलो मुझे संभालो आसानी से। प्रोफेसर नहीं संभालो, कुछ कर नहीं। प्लीज जी, कुछ करो इसके लिए। चुप रहो, मर रहे दो। तुम तो अपने आप को भूल चुके हो, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं कभी नर्स थी, मुझे जो कुछ होगा मैं जरूर करूंगी। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगी। जरूर करूंगी। राम सारे, वो हमारे दोस्त की मदद करना चाहती है। नहीं, 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 छोड़ दो। क्या हुआ बच्चे, क्यों मार रहा है? उल्लू के पट्टे मेरे पैसेंजर को मार रहा है। मोटे, तूने मुझसे हाथ उठाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे, छोड़ दे। तू कौन था मुझे रोकने वाला? बताओ मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ, तू एक मामूली चोर, एक लालची के तो दूसरों का मारा तुम कर रही। छोड़ दे। बड़ी मुद्दत से तेरी अकड़ तोड़ने की तमन्ना थी, आज तुझसे ही निपट लेता हूँ। बाबू के बच्चे, ये मत भूलो कि मैं लालची के मामूली चोर के साथ साथ एक खूनी भी हूँ। आइंदा मुझसे निपटने की कोशिश की तो तुम्हारे एक चाकू से तुम्हारी गर्दन साफ कर दूंगा। समझे राजा? समझे राजा? बाबू राजा, ये क्या तमाशा हो रहा है? कुछ नहीं देखे, इसका जरा जोश ठंडा कर रहा है। तुम लोग बदला हुआ काम बिगाड़ दोगे। जब ही क्या है? खास नहीं तो बुड्ढे को तुम कुछ प्यार की बातें करो। खबरदार, जब पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया ऐसे ही अपना वायदा निभाओगे बीके? इस दलील मैकेनिक की मजाल की मेरी बेटी की जिद पर हाथ डाले। मोहन, कमरे के बाहर जाओ, जाओ। कन्हैया, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जाओ पापा, अपने चोर और लुटेरे साथियों के पास, जिनके साथ मिलकर तुमने चोरी की थी। रेशमा, तुम नहीं समझती, ये रुपया मैंने किसके लिए चुराया? तुम्हारे लिए? हमारे लिए चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो स्कूल की नौकरी करके अपना और चीटू का गुजारा कर ही रही थी। पापा,
तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने माँ को भी मार डाला। रेशमा। हाँ पापा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही माँ का इलाज न हो सका। अगर मुझे मालूम होता कि तुम चोरी का रुपया लेकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ नौकरी छोड़ के यहाँ कभी नहीं आती। कन्हैया, ना कोई अंदर से बाहर जाएगा और ना कोई बाहर से अंदर आएगा, समझे? जाओ सब लोग सुबह तक आराम करो। तुम कहाँ चले? तुम तो मेरे सबसे पुराने दोस्त हो। कन्हैया, सुबह के लिए तैयार हो ना। मैं कन्हैया को लेकर गुफा से रुपए लेने जा रहा हूं। तुम लोगों में से कोई भी एक मेरे साथ चल सकता है। हम सब क्यों ना चले? इसलिए कि संपत बीमार है, उसके पास किसी का रहना जरूरी है, और फिर यहां दूसरे लोग भी, उन पर भी नजर रखना जरूरी है। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? तुम बोलो। मैं चलूंगा। सबको मंजूर है? नहीं मैन, हमको मंजूर नहीं। तो फिर कौन जाएगा? तुम जाओगे क्या? हाँ मैन, हम जाएगा। नहीं मैं जाऊंगा। नहीं मैन, मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। बकरी की तरह मैं लगा रखी, जरा सी बात के लिए बच्चों की तरह लगते हो। जॉन, मोहन, बाबू, तुम तीनों में से कोई नहीं जाएगा। पर कौन जाएगा? तुम? नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर जाएगा। मैं? हाँ प्रोफेसर, क्योंकि हम सबको तुम पे भरोसा है। क्यों बाबू? ठीक है, प्रोफेसर को जाने दो। ठीक है, रुपया जाएगा तो सबका जाएगा, मेरा क्या है। चलो कन्हैया, आओ प्रोफेसर। चला। मोहन, याद रहे कल रात जैसी कोई हरकत ना होने पाए। और तुम्हें भी याद रहे भी के रुपया लेकर तुम्हें सीधा यहीं पहुंचना है। मोहन, कान की जबान उसकी मौत की वजह भी बन सकती है, समझे? चलो। मोहन की मौत इतनी आसान नहीं बीके जितनी तुम समझते हो। ये लोग रुपया लेकर जल्दी आ जाएं तो अच्छा है। भाई गॉड, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है मैन, इस पर डेविल का साया है। बहुत बर्फ पड़ रही है। कम इन मैन, कम इन। वाह भाई माथुर, तू तो बिल्कुल डॉक्टर ऐसा काम कर दिया। ये डॉक्टर किधर है? ये डॉक्टर है? थैंक गॉड, तुम ना होते तो मेरा हाथ तो आज काम से गया था। अब बोल कमीने, अब क्या कहता है? अब मैं तुम सब से गिन गिन कर बदले लूंगा, एक एक को ठीक करूंगा। अगर साफ तो कहिए डॉक्टर साहब, मरने से पहले अपनी ख्वाहिश बोल दे, खूब खा ले, खूब पी ले। सुधरेगा जानता नहीं, बंदूक खाली है। गोलियां किधर है? अभी तुमको देता है गोली। चलो बात कराओ। थैंक यू डॉक्टर। आप अपने कमरे पे जाइए। क्या ये सच है कि तुम एक डॉक्टर हो? हाँ, तो अब तक संपत का इलाज तो नहीं किया तुमने।
मैं पूछता हूं, तक संपत्ति का इलाज क्यों नहीं किया तुमने? मैं किसी का इलाज करने के काबिल नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं किसी का इलाज नहीं कर सकता। मैं कुछ समझना नहीं चाहता डॉक्टर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारा दोस्त अंदर मर रहा है। तुम डॉक्टर होकर अब तक उसका तमाशा देखते रहे, चुपचाप चलकर उसका इलाज करो वरना मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, समझे? राजा चलो। हालत बहुत खराब है, इसे फौरन ऑपरेशन की जरूरत है जो मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर मेरे पास ऑपरेशन के लिए औजार नहीं, सामान नहीं। जो कुछ भी यहाँ है तुम उसी से काम चलाओ, ये वक्त नजाकत दिखाने का नहीं। तुम समझते क्यों नहीं, ये मामूली ऑपरेशन नहीं, टांग काटनी पड़ेगी। क्या इसके सिवा कोई रास्ता नहीं? नहीं, अगर टांग ना काटेगी तो मर जाएगा रात भर में, क्योंकि सारे बदन में जहर फैलता जा रहा है। तो फिर ऑपरेशन करो। जो कुछ है यहाँ तुम्हारे सामने, इन्हीं से ऑपरेशन करना होगा। इसी डॉक्टर मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। और एक बात याद रहे, तुम्हारी जिंदगी का तारो मदार संपत की जिंदगी पर है। बाबू ये चाकू छुरी किसके लिए इकट्ठा हो रही है? ऑपरेशन के लिए। किसका ऑपरेशन? तुम्हारी टांग काटनी है ना? मेरी टांग? मेरी टांग कौन काटेगा? ए माथुर, तो डॉक्टर निकला फिर तुम्हारी टांग काट देगा। तुम बिल्कुल नहीं, नहीं बाबू, मेरी टांग को नहीं काटेगा। नहीं मैं किसी को हाथ नहीं लगा दे तुम्हारा अपनी टांग को। कुछ नहीं होगा तुम्हें बाबू। कोई डॉक्टर का बच्चा मेरी टांग नहीं काट सकता। मेरी टांग मेरी जिंदगी है बाबू, मेरी टांग मेरी जिंदगी है। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, और जब ना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। होश में आओ संपत, सब तुम्हारी भलाई के लिए। सब जानता हूँ, हटो, मेरी टांग कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं काट सकता, हटो निकल जाओ। क्यों मचल संपत फायरिंग के अंदर? क्यों पागल हो गया है, ऑपरेशन करने को नहीं मानता। वो मरना चाहता है क्या? मैं अंदर जाता हूँ। नो मैन, वो तुमको शूट कर देगा। संपत सुनो, संपत मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या है? मैं अंदर आ रहा हूं, मेरे हाथ खाली, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। तुम जाना जा। किस बारे में बात करनी है? तुम्हारे सर्कस के बारे में। क्या? मैं सोच रहा था संपत कि अगर तुम्हारी सर्कस वाली स्कीम अच्छी है तो क्यों ना मैं भी अपने हिस्से का रुपया उसी में डाल दूं। जरा सोचो संपत, 15 लाख रुपए से हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कस बना सकते हैं। सच पूछो संपत, तो मुझे उस वक्त का इंतजार है जब तुम अपने आलिशान सर्कस में झूले के ऊपर अपना कमाल दिखा दिखा कर दुनिया को तंग करो। और सोचो संपत, तुम्हारा कमाल देकर सारा राजा। एक बात बताओ संपत, तुम वाकई इतने माहिर हो या यूं ही हमें बनाते रहते हो? राजा मैंने तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोला। अरे झूले का तो मैं मास्टर हूँ, मास्टर। कमीने, पागल मत बनो संपत, तुम्हारी टांग को नहीं काटेगा। अगर जख्म में से गोली नहीं निकाली गई तो तुम मर जाओगे। नहीं, मैं जानता हूँ तुम सब कमीने हो, तुम सब मेरी टांग खाओगे। तुम मुझसे विश्वास करो, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे संपत। तुम ऑपरेशन होने दो संपत। राजा, राजा भगवान के वास्ते मेरी टांग मत कटवाना। नहीं कटवाओगे? वादा करते हो? हाँ मैं वादा करता हूँ। वादा करते हो तुम? अच्छा तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। डॉक्टर जॉन, बाबू तुम वहां ठहरो। मैं संपत इसे तुम पी लो। मगर राजा फिक्र मत करो संपत, डॉक्टर कोशिश करो कि इसकी टांग बच जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ये ऑपरेशन हो जाए। क्यों क्या हुआ? मालूम होता यहां पर आया?
रुपया तो मैंने यही दबा रखा, बगल में और डंडोरा शहर में। ठीक है, जगह वैसी की वैसी जैसे मैं छोड़कर गया था, मालूम होता किसी को पता नहीं चला, लेकिन लेकिन खोदना पड़ेगा। खोदा। कमाल है बीके, कल सारा दिन हम लोग यहां बैठे रहे और रुपया यहीं पड़ा। क्या तुम लोग? हाँ, कल रात तक हम लोग यहां रहे, अगर हमें मालूम होता तो तुम्हें तकलीफ क्यों देते। यह गद्दार है ही तकलीफ के काबिल। चल जल्दी कर। रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो चुकी, लेकिन एक रफ्तार को कुत्ते की मौत मारने के लिए मेरी पिस्तौल में अभी काफी गोलियां हैं। नहीं बिके, नहीं, गोली नहीं चलाना, तुम्हें मेरी कसम। अगर अपनी जगह से हिले इस तरह ये गोलियां तुम्हारे सीने के पार हो सकती हैं, समझे? बीते जिंदगी का सफर पूरा हो गया है प्रोफेसर, ऐसा ना हो। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले जाऊंगा। तुम्हें तो अपना ही बोझ उठाना मुश्किल हो रहा है, और मैं तो उठ ही जाऊंगा इस दुनिया में। नहीं प्रोफेसर, नहीं। बीके, बीके एक वादा करो बीके। बोलो प्रोफेसर। अब किसी का खून नहीं बहेगा। प्रोफेसर, मैं वादा करता हूं, जब तक वो पर हाथ नहीं उठाएगा मैं किसी का खून नहीं करूंगा, इस कुत्ते का भी नहीं। थैंक यू बीके, थैंक यू। प्रोफेसर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमने भी साथ छोड़ दिया। Good bye, Professor. Good bye.
भी नहीं मेरे पास। इधर ला, इधर बातें निकाल, निकाल बातें। चल चला इसे, चला। नोट जला डालोगे क्या? और जला चला जल्दी बोलो तत्कोला। बीके जिंदगी में बहुत कुछ देखा लेकिन ये नोट जलने का तमाशा नहीं देखा। कन्हैया तुमने बीके जैसा भी दूसरा नहीं देखा होगा। चल उठा कर जा। भला ये कैसे हो सकता है? अभी अभी पेश किया है इस फुलाने को। मार डालोगी? मार डालो मेरी जान, मार डालो। हम तो पहले ही तुम्हारी इन अदाओं के जख्म इस पीने के लिए करते हैं और से। कमीने आगे मत बढ़, मैं कहती हूँ रुक जा, रुक जा। कहीं नाजुक कलाई में मुश्ते नहीं आ गई? वाह वाह वाह, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। गुस्से निकल जाए यहां से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। Thank you.
फिर इन कमीनों ने धोखा देकर मेरी टांग कटवा डाली। मैं इनसे पता लूंगा, मैं एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। गोली? हाँ। अरे जाओ, मैं एक एक कुछ जान से मार डालूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगा, किसी को नहीं। बीके! अरे देखो इन तालिबान ने मेरे साथ क्या किया। कमीने, भाग कर कहां जाओगे? मैं तुम्हारे पीछे। हरे राम, जालिमो, तुमने मेरी टांग ही नहीं काटी, मेरी जिंदगी को खत्म कर दी। मेरी सारी उम्मीदें, मेरे सारे सपने सर के। रेशमा चले। जल्दी से घोड़े तैयार करो, मैं चुटू को लेकर आता हूँ। ये लो। नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी, ये रुपया उन्हीं को वापस कर दो। पागल मत बनो, अगर हमने रुपया वापस भी कर दिया तो भी लोग हमें जान से मार डालेंगे। हमारा यहाँ जाना बहुत जरूरी है, तो पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मोहन किधर गया? गोली की आवाज कर रहे हैं। तुमने करो ना, हम देख क्या है। बोल, या बोल, पीके कहाँ है?
तुम लोगों का झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं। एक लफ्ज इसके बारे में जबान बनाए तो अंजाम अच्छा ना होगा। जा! दीदी शेड में है, चल मेरे साथ। चला चलो। रेशमा, रेशमा, रेशमा चली गई। रेशमा की बच्ची, अरे कुंभक बहुत की है, छोड़ दी। टीटू चल जल्दी चल, जल्दी चल। बीके ने जिंदगी में कुत्ते के मुंह का निवाला नहीं छीना। अपना हिस्सा ले ले और चला जा। बीके, कन्हैया ने हिस्सा बांटना नहीं सीखा। जीजू कहाँ है? तुम्हारे पापा यहाँ हैं। वो उसको शेड में ले गए। तुम बाहर नहीं जा सकती, वहां गोलियां चल रही हैं। भाई तुम्हारा भाई तो कुछ नहीं होगा, मैं जाके देखता हूँ। मिस्टर माथुर इसका ध्यान रखो। पहले बॉक्स नीचे रख दो। चलो तो तुम्हारा बाप क्या था? उसने हम सबके साथ गद्दारी की, उसकी वजह से संपत की मौत हुई, उसने मुझे मार डाला।
उसने प्रोफेसर की जान ली। प्रोफेसर की ही नहीं, लगता है बाबू की। क्या बाबू भी? हाँ, कन्हैया यहाँ आया था, उन दोनों में लड़ाई हुई और तुम चीजों को लेकर अंदर जा, जो मैं कहता हूं वो करो। ये मैं ले लेता हूं। लेकिन तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? मैं बर्फ में गिर गया। जब भी तुम बाहर आए तो तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं था? नहीं। माय गॉडनेस, अगर पहले मालूम होता तो मैं तो तुम मुझे मार डालते। जितने आदमी कम उतना रुपया ज्यादा। क्यों? मैं वो, हाँ वो ख्याल पहले था लेकिन अब नहीं है। अब हम तुम्हारे पास में, राजा जोन हमें मारने का प्लान बना रहे हैं, क्यों ना हम पहले उनको खत्म कर दें। लुक में वो देखो, वो लोग का नियत कुछ खराब मालूम होता है, वो हमारा ऐसा खाना मांगता है मैन, इससे पहले कि वो हम पर वार करें हमें उनको खत्म कर देना चाहिए। मैं गलत हम जरा होशियार रहो, हम बीके से बात करते हैं। आप लोग अपने कमरे में जाइए। चलो अभी के हमारा हिस्सा बांट दो। नहीं, अभी नहीं, यहां कई खून हो चुके हैं, गोलियां चल चुकी, कोई भी किसी वक्त यहां आ सकता है, हमें पहले यहां से कहीं और चलना होगा। नहीं मैन, हमको हमारा हिस्सा भी मांगता है। शट अप। बीके ने जिंदगी में जो चाहा है वही हुआ है और आइंदा भी वही होगा, समझे? सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन पहले हमें यहां से कहीं और चलना होगा। वन थोड़े तैयार करो, जाओ। मैंने बहुत दुख दिया तुम्हें रेशमा, मुझे माफ कर देना बेटे, मुझे माफ कर देना। ना ना रो मेरे बच्चे, ना रो, ना रो। बीके, ये रुपया खूनी और मनहूस, इसे कोई नहीं ले जा सकता, ये किसी को नहीं मिलेगा। बीके, ये किसी को नहीं मिलेगा। रुपया मेरे कब्जे में है कन्हैया। हाँ इस वक्त है, लेकिन रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? ये अपने राजा से पूछो। राजा को मैं पहचान गया हूं लेकिन तुम नहीं पहचाने। बीके, ये रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भी मेरी तरह बाजी हार चुके हो। बीके, तुम भी बाजी हार चुके हो। नहीं, बीके ने कभी हारने वाली बाजी में हार नहीं लिया, जीत हमेशा मेरी थी। इस बार जीत जीत राजा की होगी। राजा हम सबसे बड़ा क्रूक है। क्या बकता है मैं? मैंने इसकी फोटो। क्या कह रहा था कन्हैया तुम्हारे बारे में? मुझे क्या मालूम? कहते हैं मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता। घबराओ नहीं, बीके ने जिंदगी में कभी किसी साथी को धोखा नहीं दिया और खुद भी धोखा खाने से होशियार रहा है। घोड़े तैयार करो। Oh,
नहीं बेके, रिवॉल्वर की तरफ हाथ मत बढ़ाओ, जरा हिले तो गोली से उड़ा दूंगा। तो मौका देखकर तुम भी गद्दारी पर उतर आए, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजा। बीके तुम अब भी नहीं समझे, हालांकि कन्हैया समझ गया था। अब मुझे भी याद आया कि उसने मेरी फोटो कहां देखी थी। कहां? पुलिस के इनामों की लिस्ट में। तुम पुलिस में? 2 साल पहले पुलिस फोर्स में मुझे बहादुरी के लिए इनाम दिया गया था। बीके मैं सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि सीबीआई ब्रांच का इंस्पेक्टर राजकुमार। माय गॉड मैन, तुम पुलिस इंस्पेक्टर? ये झूठ, तुम्हारी चालाकी है। तुम सारा माल अकेले ही हजम कर लेना चाहते हो। तुम चोर और लुटेरे ही नहीं बल्कि खूनी भी हो। हाँ मैन, तुमने हमारे सामने उस जंसे लड़की का खून किया था। वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। और वो लड़की? वो अब भी उसी होटल में नाच रही है। तो अखबारों में उसकी मौत की खबर भी झूठी छपवाई थी ताकि हम तुम पर भरोसा करना शुरू कर दें। वेल डन राजा। मैं चाहता बीके तो तुम लोगों को वहीं गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उससे रुपया नहीं मिलता और मुझे ऑर्डर थे कि तुम लोगों को रुपए के साथ गिरफ्तार किया जाए। अब जबकि रुपया मिल गया है तो क्या कुछ नहीं हो चुका? कितनी जाने फजूल में जा चुकी, लेकिन अब और कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करके रुपए समेत यहां से ले जाऊंगा। शंकर, रस्सी लेके आओ। ठीक है, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना मैं गोली मारने पे मजबूर हो जाऊंगा। समझ गया जॉन? करने की कोशिश की तो भगवान की कसम गोली मार दूंगा। बॉक्स नीचे रखो। रखो शंकर, शंकर आ गया। हाथ बांधो, हाथ पीछे पीछे। खबरदार, होश में आ जाऊं बीके, पागल तो तुम हो गए हो। जॉन, जल्दी मेरे हाथ खोल दो। बीके, भूत हूं आपसे लड़के मर जाएंगे और ये सारा मार जान लेकर जाएगा। कभी ना Thank you.
खबरदार। चलो अंदर चलो। अंदर बांधो सर। यस डॉक्टर, इन दोनों को संभालो, मैं बीके को लेके आता हूं। चलो। ठीक है, तुम कानून से बच के भाग नहीं सकते, बाहर आ जाओ। कुल्हाड़ा फेंको पीके, खेल खत्म हो चुका है। नहीं इंस्पेक्टर, खेल खत्म करने के लिए तुम्हें पहले मुझे खत्म करना होगा। तुम्हें तो मैं जिंदा गिरफ्तार करके ले जाऊंगा पीके, रुपए के साथ। रुपया तुम ले जा सकते हो, लेकिन पीके को नहीं। फेंको। चलो चलो। मैं मजबूर हूं बीके, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, मर्द चूड़ियां नहीं पहनते। बीके तुम बीमार हो, बीके तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, मेरे साथ चलो, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे। जेल की सलाखों से सर फोड़ कर मरने के लिए या बरसों के बाद जेल से छूटकर दर दर की भीख मांगने के लिए। बीके नहीं, बीके नहीं। बीके ने जिस शान और दलेरी से जीना सीखा है, उसी तरह मर भी सकता है। बीके पागल मत बनो, बीके मैं नहीं नहीं। रुक जाओ बीके, भगवान के लिए रुक जाओ। नहीं बीके, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। छोड़ दे, बीके
मेरी बात मान जाओ पीके, ऊपर आ जाओ। पीके!